हेलो फ्रेंड्स, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे स्क्यूनेस क्या होता है, स्क्यूनेस कैसे निकालते हैं, मेजर्स क्या क्या होते हैं इसकी, इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे और कोफिशेंट ऑफ स्क्यूनेस क्या होता है, ये सब हम आज डिटेल से पढ़ेंगे। तो क्लास शुरू करने से पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो तो आप जो हमारा टेलीग्राम लिंक है उस पर आप पोस्ट कर दीजिए, जो भी क्वेश्चन है आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन मिल जाएगा, या तो मैं सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा दूंगा या फिर जो भी स्टूडेंट्स इस पे जुड़े हुए हैं वो भी काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो आपकी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो जाएगी जल्दी से जल्दी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्क्यूनेस का मतलब होता है कि सिमेट्री की कमी, यानी लैक ऑफ सिमेट्री का मतलब क्या होता है। जैसे हमने क्या करा, एक जो हमारा क्या बोलते हैं, हमारे पास एक सर्किल है यानी वर्त है, और वर्त को हमने बीच में से काट दिया, तो दोनों हिस्से क्या होंगे, एक जैसे बनेंगे, यानी डिट्टो एकदम सेम टू सेम दोनों हिस्से होंगे, तो इस चीज़ को बोलते हैं सिमेट्री। अब हमने क्या करा कि अगर एक हिस्सा छोटा बड़ा या फिर एक हिस्से का आकार दूसरे टाइप का अगर दोनों में डिफरेंस आ जाए तो उसको बोलते हैं लैक ऑफ सिमेट्री, यानी दोनों में समानता की कमी आ गई। सिमेट्री का समझ गए होंगे मतलब कि अगर हमने एक कर्व खींचा, जैसे हम एक कर्व खींचते हैं तो उसमें अगर हमारा कर्व क्या हो रहा है कि हमारे कर्व को बीच में से, अब हमने बीच में से जब हम डिवाइड करते हैं दो हिस्सों में, तो क्या होता है अगर उसमें सिमेट्री है तब तो वो दोनों तरफ से बराबर होगा। अगर लैक ऑफ सिमेट्री है तो हम स्क्यूनेस चेक करते हैं कि हमारा जो है, हमने कर्व खींचा है उसके अंदर कितनी जो है सिमेट्री की कमी है, यानी हमारे जो कर्व है दोनों में से जो दोनों तरफ उसमें कितनी कमी आ रही है। इस तो मतलब हम दोनों तरफ के जो कर्व होंगे उनको चेक करेंगे कि किस तरफ पॉजिटिव तरफ है या नेगेटिव तरफ स्क्यूड है, यानी जो है हमारी कमी किस साइड है, तो ये सब चेक करने के लिए हम स्क्यूनेस का काम में लेते हैं। अब स्क्यूनेस है वो क्या होता है कि स्क्यूनेस एक डिस्ट्रीब्यूशन को कब कहा जाएगा, मतलब अगर एक डिस्ट्रीब्यूशन हम एक डेटा दिया गया और हमने उसके डेटा का कर्व खींच लिया, तो वो कर्व है हमारा डेटा का वो कब स्क्यूड कहलाएगा, मतलब कि उसमें सिमेट्री या समानता की कमी कब नजर आएगी। तो सबसे पहले उसके अंदर क्या होता है, हम मीन मोड मीडियन चेक करते हैं। अगर तीनों बराबर है, यानी जो संख्या मीन की आ रही है, जो वही मीडियन की आ रही है और वही मोड की आ रही है, तीनों वैल्यू एक ही समान है, तब तो हमारा सिमेट्रिक होगा यानी समानता होगी और वो सिमेट्रिक कर्व हो जाएगा। अगर दोनों तीनों संख्याएं समान नहीं है तो वो क्या हो जाएगा, एसिमेट्रिक बोलते हैं उसमें, यानी असमानता हो गई, दोनों तरफ के हिस्से बराबर नहीं है, तब हम स्क्यूनेस चेक करते हैं। अब हम दूसरी कंडीशन या दूसरा जो पॉइंट, अगर हमें मीन मोड मीडियन के बारे में नहीं पता चल रहा तो हम क्या करेंगे, हमारे जो क्वार्टाइल होते हैं वो चेक करते हैं कि हमारे जो क्वार्टाइल है वो मीडियन से समान दूरी पर है कि नहीं। यानी हमें तीनों क्वार्टाइल दे दिए तो हम क्या करेंगे कि Q1 की वैल्यू, Q2 की वैल्यू और Q3 की वैल्यू है, तो Q2 - Q1 करके देखें और Q3 - Q2 करके देखेंगे। मतलब अगर दोनों तरफ समान आ रहा है तो हम क्या कहेंगे कि ये सिमेट्रिक है, अदरवाइज सिमेट्रिक नहीं है, मतलब हमारा जो है स्क्यूड है डेटा, हम किस तरफ स्क्यू है यानी किस तरफ झुका हुआ है वो हम बाद में देखेंगे। और तीसरा होता है कि अगर हमने भाई डेटा दिया हुआ है, हमें ना मीन मोड मीडियन का पता है, तो हम क्या करेंगे, सिंपल एक ग्राफ खींचेंगे जो हमें डेटा दिया गया है, अगर वो ग्राफ एक तरफ किसी भी तरफ झुका हुआ नजर आता है तो उसको हम कह देते हैं कि ये ग्राफ है हमारा सिमेट्रिक नहीं है, यानी हमारा जो डिस्ट्रीब्यूशन या डेटा है वो सिमेट्रिक नहीं है। अब बात आती है कि हम ये तो जान गए कि सिमेट्रिक क्या होता है, स्क्यूड क्या होता है। अब सिमेट्रिक, अगर हमारा डेटा सिमेट्रिक है तो वहां कोई दिक्कत ही नहीं है कि तीनों मीन मोड मीडियन बराबर होंगे। अब बात आती है अगर हमारा डेटा सिमेट्रिक नहीं है, मतलब कि दोनों तरफ समान नहीं है और एक तरफ झुका हुआ है, तब हम उस चीज़ को चेक करने के लिए मेजर ऑफ स्क्यूनेस काम में लेते हैं, यानी मेजर ऑफ स्क्यूनेस होते हैं कुछ एक, यानी वो किस तरफ झुका हुआ है या क्या है उसके अंदर, तो वो सब चेक करने के लिए हमने मेजर डिफाइन करे हैं स्क्यूनेस के। तो अब स्क्यूनेस के जो मेजर हैं वो क्या क्या हैं कि पहला तो मीन में से मोड को घटा दो, मीन में से मोड को घटा दो, या फिर मीन में से मीडियन को घटा दो, ये दोनों मेजर हो गए। और तीसरा मेजर है कि जो हमारा थर्ड क्वार्टाइल है उसमें से मीडियन को घटा दो और मीडियन में से पहले क्वार्टाइल को, अगर इन तीनों की वैल्यू जीरो आ जाती है तब तो क्या है, हमारा स्क्यूड है, जो हमारा डेटा है वो सिमेट्रिक है। अगर इनकी वैल्यू जीरो आती है तब तो हमारा डेटा सिमेट्रिक है, अगर इनकी वैल्यू जीरो नहीं आती है तो हमारा डेटा कैसा है, असिमेट्रिक है। तो ये हमारे मेजर्स होते हैं, पर इनको क्या बोलते हैं, हमारे स्क्यूनेस के
अब्सोल्यूट मेजर बोलते हैं, अब्सोल्यूट मेजर्स ऑफ स्क्यूनेस बोलते हैं। बट क्या होता है कि हम इन ऑब्सोल्यूट मेजर्स को, हम अगर हमें दो सीरीज दे रखी है, दो डेटा दे रखे हैं और हम कहें कि भाई हम दोनों में सिमेट्री है कि नहीं, दोनों जो हमारे पास डेटा है उनके कर्व खींचे और हम उनमें समानता चेक करना चाहते हैं, अगर समानता है कि नहीं, तो उस चीज को चेक करने के लिए हम ये जो ऑब्सोल्यूट मेजर है ये काम में नहीं लेते। तो हम उन दोनों की सिमेट्री चेक करने के लिए हम क्या काम में लेते हैं, कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस काम में लेते हैं। हमने कुछ एक कोफिशियंट डिफाइन कर रखे हैं जो क्या है, नंबर्स हैं सिर्फ, हम नंबर्स, उन नंबर्स को हम काम में लेते हैं कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस को, जो हमारे क्या होते हैं कि किस तरफ झुका हुआ है डेटा, ये सब चेक करते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कोफिशियंट है जो स्क्यूनेस चेक करने का, वो है कार्ल पियर्सन का। कार्ल पियर्सन का क्या है कि उन्होंने क्या करा है कि मीन माइनस मोड, ये तो हमारे अगर मीन में से मोड घटाओगे तो अगर वैल्यू जीरो आ रही है तब तो वो सिमेट्रिक है, अगर मीन में से और मोड घटा दोगे और वैल्यू जीरो नहीं आ रही है तो क्या होगा, वो स्क्यूड होगा, और इसमें अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का भाग दे दोगे तो हमें कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस मिल जाएगा। कौन सा, कार्ल पियर्सन का, ये याद रखना, कार्ल पियर्सन का स्क्यूनेस कोफिशियंट होता है ये एस के। और अगर मोड का हमें पता नहीं है, यानी इल डिफाइन है, मोड का पता नहीं है, तो हम क्या करते हैं, मीन माइनस मोड, ये हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था पीछे, मीन माइनस मोड बराबर होता है 3 मीन माइनस मीडियन, ये वाला फॉर्मूला रख देंगे यानी मीडियन निकाल लेंगे। तो इससे हम कार्ल पियर्सन का कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस चेक कर सकते हैं। कार्ल पियर्सन की जो लिमिट होती है, मतलब जो हमारा स्क्यूनेस का डेटा है वो कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, कि उसकी वैल्यू है जो स्क्यूनेस का एस के की वैल्यू क्या आएगी, या तो -3 आएगी या +3 आएगी या फिर इनके बीच में आएगी, मतलब -3 और +3 के बीच में ही हो सकती है, इससे बाहर नहीं जाएगी। तो ये हमारा कार्ल पियर्सन का कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस हो गया। अब बात करते हैं बाउली के कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस। तो सेकंड नंबर आता है बाउली का। अब बाउली ने हमें किस पे बेस्ड कोफिशियंट दिया था, क्वार्टाइल पे बेस्ड था ये, है ना। इसके अंदर क्या था, ऊपर वाला तो क्या था हमारा मीन मीडियन मोड पे था, ये वाला क्वार्टाइल पे बेस्ड था, तो इसको हम बाउली वाले को क्वार्टाइल बेस्ड कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस भी कहा जाता है, यानी क्वार्टाइल कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस भी कह देते हैं इसको। इसका क्या होता है, जो मान होता है कि हमने Q3 और Q1 को जोड़ा और -2 मीडियन कर दिया, और बटे में क्या था, Q3 - Q1, ये फॉर्मूला होता है। अब इसके अंदर अगर Q3 + Q1 - 2 मीडियन है, ये अगर ऊपर वाला वैल्यू जीरो आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, हमारा डेटा है सिमेट्रिक है। अगर ये जीरो नहीं आता है तो इसका क्या मतलब होता है, ये डेटा हमारा स्क्यूड है और हम सिमेट्री चेक करते हैं, तो ये कोफिशियंट काम में लिया जाता है। अब जो बाउली का जो कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस है उसकी रेंज क्या होती है, -1 से 1 के बीच होती है। हमने कार्ल पियर्सन का पढ़ा था, उसके अंदर क्या थी, -3 से 3 तक थी, इसकी क्या होती है, -1 से 1 के बीच में होती है। तो अब बात करते हैं तीसरा नंबर है बेस्ड ऑन मोमेंट्स, यानी जो हमारा कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मोमेंट। हमारा पहला था मीन मोड मीडियन पे, दूसरा था क्वार्टाइल्स पे, और तीसरा है मोमेंट से। तो हमने मोमेंट्स पढ़े थे μ1, μ2, μ3, μ4, ये सब हमने फॉर्मूले भी उनके डिटेल से पढ़े थे। फिर हमने पियर्सन के बीटा और गामा कोफिशियंट पढ़े थे। हमने बात करी थी कि हम जब स्क्यूनेस पढ़ेंगे तो उसके अंदर बताएंगे कि β1 और β2, γ1, γ2 क्या थे, तो उन सबका यहां पर काम आता है। तो हमारा जो बीटा वन था कि μ3 का स्क्वायर बटे में μ2 का क्यूब था, और हमारा जो बीटा टू था वो था μ4 बटे में μ2 का स्क्वायर। अब हमारे जो बीटा वन और बीटा टू, इनसे क्या होता है, हमारा कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस है वो डिफाइन करते हैं हम, और इन्हीं से हम बताते हैं कि हमारा जो कर्व होगा डेटा का वो सिमेट्रिक है कि नहीं है, और किस तरफ सिमेट्रिक नहीं है, किस तरफ एसिमेट्रिक है, तो ये सब हम इससे बताते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो हमारा फॉर्मूला है। तो फॉर्मूले के अंदर है कि √β1, तो √β1 हमारा बेसिकली क्या होता है, γ1 था, हमने वहां फॉर्मूला पढ़ा था, आप याद रखिए। β1 बराबर क्या था, β1 था μ3 का स्क्वायर अपॉन μ2 का क्यूब। अब √β1 β2 + 3/2 5β2 - 6β1 - 9, ये फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला वगैरह तो कहीं नहीं पूछा जाएगा। इसके अंदर जो बात है कि अगर बीटा वन अगर जीरो है, ये वाली जीरो हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, ये अगर जीरो है तो हमारा जो स्क्यूनेस का कोफिशियंट है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। और अगर बीटा थ्री भी अगर जीरो हो जाता है तो ये +3 और ये -3 है, अगर ये -3 हो जाता है तो ये भी जीरो हो जाएगा, यानी अगर इनमें से कोई भी एक वैल्यू जीरो हो जाती है तो हमारा क्या हो जाएगा, कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस जीरो हो जाएगा, यानी हमारा जो डेटा है वो सिमेट्रिक हो जाएगा। अगर ये जीरो नहीं है तब क्या होता है, एसिमेट्रिक होता है। तो इसीलिए यहां से जो
हम बीटा वन से ये देखते हैं कि पॉजिटिव स्क्यूड होगा कि नेगेटिव की तरफ झुकाव होगा या पॉजिटिव तरफ झुकाव होगा, तो ये सब ग्राफ हम इसी से बीटा वन को इसीलिए यहाँ पर हमने वो आधार माना है कि बीटा वन है हमारा मेजर ऑफ स्क्यूनेस, इसीलिए माना जाता है क्योंकि हमारे बीटा वन कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस होता है। यहाँ पर जो कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस है वो यहाँ पर बीटा वन बेसिकली काम में लिया जाता है इसीलिए। और इस जो कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस बेस्ड ऑन मूवमेंट है इसको मूवमेंट कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस भी कहते हैं और सेकेंड कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस भी कहा जाता है, इसको सेकेंड कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस भी कहते हैं। अब बात करते हैं कि अगर बीटा वन हमारा जीरो है, यहाँ पर देखो सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन तो ऐसा होता है कि यानी दोनों तरफ सेम चीज़ होगी, यानी सेम हमारा दोनों तरफ से जो आकार है इसका सेम है, इस तरफ और इस तरफ दोनों तरफ सेम आकार है इसका, तो इसको कहते हैं कि हमारा डेटा है वो सिमेट्रिक है, यानी दोनों तरफ मीन मोड मीडियन ये तीनों एक ही लाइन पर बीच में आते हैं, तो ये हमारा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो यहाँ पर क्या होता है, हमारी जो बीटा वन है उसकी वैल्यू क्या होती है, जीरो होती है। अगर हमारा बीटा वन जीरो है तो क्या होता है, हमारा सिमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन है। अगर बीटा वन है वो पॉजिटिव है यानी जीरो से बड़ा है, तब क्या होता है, हमारा पॉजिटिव स्क्यूड होता है, यानी पॉजिटिव है तो पॉजिटिव स्क्यूड। और अगर बीटा वन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो क्या हो जाएगा, नेगेटिव स्क्यूड। अब हमारा यहां पर मैंने लिखा है गामा वन पॉजिटिव, तो गामा वन पॉजिटिव का मतलब क्या होगा कि गामा वन बेसिकली होता क्या है, रूट बीटा वन। तो अगर बीटा वन पॉजिटिव है तो गामा वन भी पॉजिटिव हो जाएगा, तो अगर गामा वन पॉजिटिव लिखा है तो भी क्या होगा, पॉजिटिव स्क्यूड होगा। और अल्फा थ्री, अल्फा थ्री भी एक वैल्यू होती है, कभी कभार अल्फा थ्री भी दे देता है कि अल्फा थ्री अगर पॉजिटिव है तो कैसा स्क्यूड होगा, तो पॉजिटिव, यानी अगर जीरो से बड़ा है तो पॉजिटिव और जीरो से छोटा है तो नेगेटिव और जीरो के बराबर है तो सिमेट्रिक होगा। तो ये सब हमें याद रखनी है कि हमें अगर ये देख के पूछ ले कि हमारा जो हमारा गामा वन पॉजिटिव है तो हमारा कैसा डिस्ट्रीब्यूशन होगा, पॉजिटिव स्क्यूड। गामा टू अगर जो हमारा गामा वन है नेगेटिव है तो क्या होगा, नेगेटिवली स्क्यूड। अब देखो अगर पॉजिटिव स्क्यूड है तो मोड पहले आएगा, सबसे पहले ये याद रखना कि मोड सबसे पहले, फिर मीडियन आएगा, फिर मीन आएगा। ये ऐसे चलता है कि सबसे बड़ा जो है मोड होता है, इसके अंदर सबसे बड़ी बारंबारता मोड, फिर हमारा मीडियन आएगा और फिर मीन आएगा। यानी अगर पॉजिटिव स्क्यूड है तो ये होगा, और अगर नेगेटिव स्क्यूड है तो क्या होगा, मोड क्या आएगा, सबसे लास्ट में आएगा, सबसे पहले मीन आएगा, फिर यहाँ पर मीडियन आएगा, फिर मोड आएगा। कभी कभार ग्राफ देख के पूछ लेता है कि ये पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव, हमें दे देगा कि ऐसा ही लिखा हुआ मिलेगा, मोड मीडियन मीन, इन तीनों को एक ग्राफ में लिखा हुआ मिलेगा और पूछ लेगा कि पॉजिटिव स्क्यूड है या नेगेटिव, तो आपको बताना होगा। तो मोड जब पहले आ जाए सबसे पहले तो पॉजिटिव हो जाएगा, और मोड सबसे लास्ट में आए तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो ये हो गया हमारा कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस। तो आज के लिए बस इतना ही, आज हमने कोफिशियंट ऑफ स्क्यूनेस पढ़ा, अगली क्लास में हमें कर्टोसिस के बारे में पढ़ेंगे, कर्टोसिस क्या होता है, कर्व, लेप्टोकर्टिक, जो हमारा लेप्टोकर्टिक होता है, मीजोकर्टिक होता है, ये सब क्या होते हैं, ये सब इनको डिटेल में पढ़ेंगे। और जो हमारा गामा टू है वो कहाँ पर काम आता है, कैसे काम में लेते हैं, ये सब पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।